everyone. Can you all see me? Am I visible and audible? Yeah, I can hear them. Okay, so hi everyone. Hello, namaskar, namaste. I'm Ivee Boiss. Yeah, now I can see myself. Hold up, one second. Yes. So I can see myself now. I hope I am, you know, you can hear me loud and clear. So hum aaj. So once again, welcome to Amul Facebook Live. Simple homemade recipe. Today, I'm going to share with you another exciting and interesting recipe, and that is called Stuffed Paneer Laddoos. You can hear me? Please show me a thumbs up or something. Okay, so iske liye chahiye bahut simple sa recipe hai. Time bhi nahi lagta hai. Kam ingredients hai. Kuch bhi, you know, it's very simple. Nothing difficult or anything. Yes, now I can see the comments. Hi, Savita ji. Hi, Charit ji. You are the best chef. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. So, हम अभी जो बनाने जा रहे हैं वो है stuffed paneer laddoos. But with the ongoing festive season, mithais, you know, the traditional Indian desserts are very sought after. So, इसीलिए पनीर तो आप लोग जानते हैं बहुत पसंद है सबको. तो इसीलिए हम आज एक पनीर का लड्डू बनाएंगे वो जो stuffed करके. ठीक है? तो I'll tell you the ingredients because I want to keep that stuffing थोड़ा suspense बढ़ाना चाहती हूँ मैं. तो ये जो हम measurement देंगे वो हम 500 ग्राम का पनीर. तो आप फ्रेश पनीर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पनीर था बाजार से, लेकिन ये भी फ्रेश है तो उसको ग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, सुन सकते हैं ना आप लोग? सुन पा रही है आप लोग? ठीक है. सो मेरा नाम आईवी बॉयस है. मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सेंट एंथनीज कॉलेज. वो शिलोंग में एक कॉलेज है. शिलोंग एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है. आप लोग टाइम मिलने से, यू नो, व्हेन सिचुएशन इज गुड, यू शुड आई थिंक विजिट शिलोंग. बहुत ही सुंदर, बहुत क्लीन, यू नो, इट्स वेरी नाइस. सविता जी थैंक यू ऑडिबल. ठीक है. हाँ जी सविता, दो सविता ज्वाइन कर रहे भूदे का. थैंक यू. हेलो सविता जी. तो हम ऐसे ही पनीर को ग्रेट कर लिया. तो ये 500 ग्राम पनीर. तो ना हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा गैस, अभी गैस का काम है, कुकिंग काम है. तो सविता मोहालिक जी हेलो. तो जब भी मिठाई कुछ बनाएंगे ना, हमेशा याद रखिए कि गैस सबसे धीमी आंच पे. तो ये मेरे पास है 62 ml ऑफ कोकोनट मिल्क. ये 62 ml कोकोनट मिल्क. और इसमें हम तो नियर अबाउट हाफ. नाउ ये थोड़ा धीमी आंच पे करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल का काम है. नाउ ये 500 ग्राम पनीर के लिए आप 250 ml कोकोनट मिल्क ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा बनाया हुआ है इसलिए हम कम इंग्रेडिएंट में दिखा रही है. तो 250 ml ऑफ कोकोनट मिल्क. कुसुम जी दारुण, भालो लाच्छे आमाके, सुंदर लाच्छे, रेसिपी भी अनेक सुंदर है. तो हम ये जो कोकोनट मिल्क है वो बाजार से खरीदा हुआ है, तो उसमें हम एक टीस्पून, लगभग एक टीस्पून मैदा डाल दिया है ना, हो ये धीमी आंच पे.
हम थोड़ा हीट करेंगे जब तक मैदा ये हो ना जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा हाथ से ऐसे ऐसे ग्रेट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अभी इसको जल्दी जल्दी हैप्पी दिवाली सविता जी। तो फेस्टिव सीजन ऑन गोइंग है, अभी फिर आएगा क्रिसमस, तो इसीलिए मैंने सोचा एक और शानदार सा इजी सा एक मिठाई की रेसिपी क्यों ना शेयर करते हैं सबके साथ। तो धीमी आंच पे इसको हम ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है। तो हमने लिया था, बोला था मैं मेजरमेंट आधा केजी पनीर को, क्रम्बल भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, आप छेना भी ले सकते हैं एकदम फ्रेशली मेड। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए वो जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो पूरा ठीक तरह से वो ड्राई होना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। और आप अमूल का पनीर भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो अमूल का क्या कहना, बहुत ही यू नो टेस्ट ऑफ इंडिया एकदम राइटली सेड। ये आई डोंट नो दिस, आई हैव यू नो आई हैव बीन वेरी लक्की टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सिंपल होममेड रेसिपी एंड इट हैज यू नो इट्स लॉन्गेस्ट रनिंग रेसिपी लाइव सेशन। एंड फॉर दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी आई शुड नॉट फॉरगेट टू थैंक एवरीवन एट अमूल, ईशान एंड अभिषेक जी। तो ऐसे हम थोड़ा मॉइस्चर कम करेंगे और रिमेम्बर टू स्टर कॉन्स्टेंटली। तो मैं गुवाहाटी में पली बड़ी हूँ, लेकिन हाँ अभी मैं शिलोंग में रहती हूँ। तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने से ना आप गैस ऑफ कर दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, फिर से ऑन कर दीजिए। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ये लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये मॉइस्चर ये हो गया है, ड्राई हो गया है। तो अभी हम ये यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है, थोड़ा गैस बंद कर दिया मैंने, जो है चीनी। नाउ ये चीनी हमेशा रूबी रॉय हैप्पी भाई फूटा, हाँ हाँ भाई फूटा, आज भाई फूटा है। इट्स अ वेरी नाइस अनदर वेरी ब्यूटिफुल फेस्टिवल। तो हम चीनी ये स्वाद अनुसार, तो हमने दो दिया, तीन चार पांच छह, ये छह टीस्पून दिया है क्योंकि मेरा कम ये है, कम मेजरमेंट में, कम मेजरमेंट में बनाया हुआ है। तो शायद अब जब आधा केजी पनीर लेंगे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो 250 ग्राम ऑफ पनीर लेने से आप अराउंड 10 टू 12 टीस्पून डाल दीजिए। ना बिफोर यू पुट द यू नो डोंट पुट 12 टीस्पून एट अ टाइम, यू जस्ट चेक द मिठास, आप चेक कर लीजिए। लाड लीजिए, हेलो डियर ईशा जी, हाय, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक है। तो चीनी डालने से क्या होगा, शुगर विल रिलीज इट्स मॉइस्चर। तो अभी क्योंकि मैंने गैस ऑफ कर दिया था, फिर से गैस ऑन करेंगे। नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि पनीर का लड्डू ना, वी डोंट वांट इट टू बी यू नो, वी वांट द व्हाइटनेस टू रिमेन। नाउ विल स्टार अगेन, जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं होंगे हम लोग ये स्टार करेंगे। और इसमें डालेंगे इलायची, फ्रेशली ग्राउंड इलायची पाउडर, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वी डोंट वांट इट टू गैस बढ़ा देंगे ताकि समय ज्यादा ना लगे। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से धीमी आंच पर कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तब ये थोड़ा आंच बढ़ाने से क्या होगा कि
थोड़ा यू शुड बी केयरफुल व्हाइल स्टरिंग. ग्रेट गोइंग, थैंक यू. अच्छा, आपको शायद याद है जो नए नए ज्वाइन किया है इस बार, मेरा नाम है आईवी बॉयस. मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उसका नाम है व्हाट्स कुकिंग इन आईवीज किचन. तो आप थोड़ा देख लीजिए, वहां पे बहुत ही इजी इजी रेसिपीज है. नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, आई एम ए प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न. तो मेरा बहुत ही यू नो नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही यूनिक एंड ट्रेडिशनल क्विजीन भी है, ऑयल फ्री रेसिपीज भी है. यू नो कोई के ऐसा रेसिपीज है, चिकन है जो ऑयल फ्री, क्योंकि हम लोग चिकन जब बनाते हैं हम लोग ऑयल देते हैं, तो हम लोग का ये भी है वो नॉन वेज बनाने से ज्यादा ऑयल देते हैं. ऐसा बात नहीं, विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं. ऐसे ही ये जो काला काला है वो कार्डमम सीड्स है इलायची का. तो थोड़ा वो जो आप लोग का वो हम लोग कलाकंद बनाने जो जो कंसिस्टेंसी है वैसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए. थैंक यू लाडली जी, आप देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. लंप होने से एक साथ सब गिर जाएंगे. सुषमा जी थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू. सविता जी ऑसम, थैंक यू. तो इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, तो बोलते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वो लागू होता है. देखिए देखिए थोड़ा और हम आज मैं वो पकड़ने वाला भूल गया था, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है. कोई बात नहीं, थोड़ा और. आप देख सकते हैं थोड़ा ये इसका कंसिस्टेंसी चेंज हो गया है, मॉइस्चर हो गया है इवेपोरेट, लेकिन थोड़ा देर और रखेंगे. तो इसको ऑफ कर देते हैं और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर में डाल देंगे. ये देखिए थोड़ा अभी रूम टेम्परेचर थोड़ी देर हम रख देंगे, उसके बाद हम फ्रिज में डालेंगे. ये देखिए तो अभी इसको हम फ्रिज में डाल देंगे तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएंगे. तो हम आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में डालेंगे.
ये हम बना के रखा है ऐसे क्योंकि 30 मिनट्स तक हम आप लोग नहीं रुक पाएंगे, तो कोई भी नहीं रुक पाएंगे क्योंकि सबका टाइम इम्पोर्टेंट है। तो हम देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी हो जाएंगे, ऐसा कंसिस्टेंसी हो जाएंगे। तो आपको मेजरमेंट मालूम याद है ना, आधे के जी पनीर के साथ 250 ml ऑफ कोकोनट मिल्क और 2 टीस्पून मैदा। नाउ हमने बोला था स्टफ्ड, तो क्या किससे स्टफ करेंगे? ये देखिए खजूर, ये साइड कर देंगे, ये भी साइड कर देंगे। ये जो आमंड्स है ये ड्राई टोस्टेड है, तो जो क्रंचीनेस देगा। और ये खजूर आप देख सकते हैं, हमने उसका बीज सीड निकल के रखा है, ये डीसीडेड खजूर है। तो बाजार में डीसीडेड खजूर मिलने से वो ले लीजिए, नहीं तो खजूर ले लीजिए, डेट्स ले लीजिए और उनको पेशेंटली आप डीसीड कीजिए। फिर इसके अंदर हम एक आलमंड्स डालेंगे, देखिए हमने ऐसे आलमंड्स डाला है और इसको थोड़ा ऐसे हाथ से प्रेस कर देंगे। तो एक और लेंगे, फिर से इसको ऐसे टाइटली, तो एक और दिखाएंगे। इजी है क्योंकि खजूर का एक क्या बोलो, एक स्टिकीनेस है, तो ठीक ऐसी तरह से आप, हमने आलमंड्स लिया है, आप काजू भी डाल सकते हैं, तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता थोड़ा सॉल्टेड है, आप अनसॉल्टेड पिस्ता मिलने से आप पिस्ता भी डाल दीजिए। तो हम आपको दिखा रहे आप, तो आई जस्ट कीप दिस असाइड। तो अब हम गीली हाथ से लड्डू बनाएंगे, हाथ थोड़ा गीली होना चाहिए तब इजी होगा। ऐसे आप पूरा टाइट लड्डू, ठीक है। एक और दिवाली में आप लोग कितना सारा फटाका बर्स्ट किया, क्रैकर्स, वी आर बाबूजी, थैंक यू सो मच। इजी रेसिपी है और वो भी वी आर पुटिंग, यू नो वी आर इंक्रीजिंग द यू नो द न्यूट्रिएंट्स यू नो बाय एडिंग आलमंड्स एंड डेट्स। तो ऐसे हम थोड़ा टाइट, ठीक है। तो आप जब वो मिक्सचर आप फ्रिज में डालने से वो ऐसा हो जाएंगे, थोड़ा टाइट हो जाएंगे। हेलो रिंकू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आई एम शेयरिंग अ वेरी इजी लड्डू, पनीर का लड्डू स्टफ्ड है। तो हमने अभी डेट्स और आलमंड से स्टफ किया है, तो आप चेरी भी डाल सकते हैं, वो जो ग्लेज चेरी मिलता है ना, इसीलिए आप वो चेरीज भी डाल सकते हैं। नाउ जब आप चीनी का चीनी डालेंगे ये पनीर और वो कोकोनट मिल्क के मिक्सचर में जब चीनी डालेंगे तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में हम लोग डेट से स्टफ करेंगे या आप
चेरी से भी स्टफ कर सकते हैं, तो बोथ डेट्स और चेरी थोड़ा मीठा है तो वो आप ध्यान दे दीजिए। ओ मैडम रिंकू जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई रिपीट। तो आज हम स्टफ पनीर के लड्डू बना रहे हैं, तो ये ऑस्पिशियस ऑनगोइंग फेस्टिव सीजन जो है, इसीलिए थोड़ा यू नो हटके से रेसिपी है। तो हमने क्या किया, वो पनीर लिया, 500 ग्राम का पनीर लिया, उसको ब्रेक किया या आप क्रम्बल भी कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा 250 ml, आधे आधे एज मच पनीर यू आप लीजिए तो उसका आधा 250 ml, मैंने हाफ के जी लिया है, तो 250 ml कोकोनट मिल्क लिया है, तो वो 250 ml कोकोनट मिल्क में को दो टू टीस्पून मैदा डाला है और उसको गैस में धीमी आंच में पकाया है थोड़ा थिक होने से, और जब मैदा मिक्स हो जाएंगे तो और थोड़ा फिर उसको उसमें क्रम्बल्ड ग्रेटेड पनीर डाल दिया है, और फिर कंटिन्यूअसली हम स्टर किया ताकि वो लग ना जाए, और जब मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ड्राई हो जाएंगे तो आप स्वाद अनुसार चीनी डाल दीजिए। तो स्वाद अनुसार चीनी, चीनी का मात्रा थोड़ा कम कीजिए क्योंकि हम स्टफ करेंगे, ये पनीर का स्टफ लड्डू है तो थोड़ा कम कर दीजिए। तो जब आपका पूरा मॉइस्चर कंटेंट चीनी डालने से थोड़ा और मॉइस्ट हो जाएंगे, लिक्विड छोड़ेगा, तो फिर से आप धीमी आंच पे स्टर करके आप थोड़ा वो मॉइस्चर को इवेपोरेट कीजिए। जब वो मॉइस्चर सूख जाएगा तो गैस ऑफ कर दीजिए, फिर से थोड़ा स्टर कीजिए और थोड़ा 5-10 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे रखिए, फिर उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज में डाल दीजिए आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद आप निकाल के ऐसा बॉल्स आप निकाल के, तो आधा घंटा जब फ्रिज में डालेंगे तो आप क्या करें, तो बीच में आप ये जो खजूर है उसका सीड्स निकाल के एक एक ड्राई रोस्टेड आलमंड डाल दीजिए और ये वो पनीर के लड्डू में स्टफ कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे स्टफ कर दीजिए, और उसके बाद क्योंकि थोड़ा ये गीला होंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी है, ये देखिए, ये पॉपी सीड से खसखस। सुषमा जी थैंक यू, भारती शाह थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो वो खसखस में हम जेंटली ऐसे, ये भी ड्राई टोस्टेड है, वो खसखस में आप ऐसे डाल दीजिए, वो क्या होगा, वो जो आलमंड है और ये खसखस, ये दोनों आपका मुंह में ना एक बहुत ही मीठा सा वो क्रंच देगा। कैसा लगा, इजी है ना रेसिपी, बहुत ही इजी रेसिपी है। ये हो गया है, पूरा रेसिपी हो गया है, आप प्लेटिंग करेंगे। तो ये हम लोग का खोराई बोलते हैं, यस पोस्टो, हाँ बंगाली में पोस्टो बोलते हैं। ऐसे लगा, मेरे पास थोड़ा ड्राई रोज पेटल है, हम ऐसे ही ये जो है आप लोग को, ये तो बनाना लीफ है,
इसीलिए अब देखिए कैसा लगा। थोड़ा ट्रेडिशनल, ये फेस्टिव सीजन है, थोड़ा ट्रेडिशनल मुझे प्लेटिंग अच्छा लगता है, तो इसीलिए थोड़ा ट्रेडिशनल वे में प्लेटिंग किया है। तो आप थोड़ा ये ऐसे डाल दीजिए। रिंकू सिंह है, ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट, मेरा रेसिपी भी खत्म हो गया है, आप टेस्ट कर लीजिए। तो प्लीज बनाना मत भूलिए, आपको अच्छा लगा तो रेसिपी शेयर कर दीजिए, सबको मालूम होना चाहिए सुंदर सुंदर एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग रेसिपी और जो हेल्दी भी है। तो क्रीम के साथ बना सकते हैं, क्रीम के साथ हमने तो ट्राई नहीं किया है, तो आप क्रीम होने से क्या होगा, थोड़ा फैट कंटेंट भी आ जाएगा, तो ये जो है आप ट्राई कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क बहुत इजीली आपको मिलेंगे स्टोर्स पे, सब स्टोर्स में कोकोनट मिल्क मिल जाता है, आप कोकोनट मिल्क से ट्राई कर दीजिए, क्योंकि हमने कभी क्रीम से ट्राई नहीं किया। तो कैसा लगा आप लोगों को, सबको क्लियर है रेसिपी? इट्स ऑलमोस्ट टाइम, तो इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन द होल थिंग वंस अगेन विद इंग्रेडिएंट्स। आप हमने यहाँ पे खजूर का स्टफ किया है, आप चेरी जो कैंडल चेरी मिलता है उसके साथ भी आप स्टफ कर सकते हैं, और हमने पोस्टर दाना दैट इज पॉपी सीड से कोट किया है। तो आप स्प्रिंकलर्स, बच्चे के लिए स्प्रिंकलर्स भी यूज कर सकते हो, जो शुगर कोटेड स्प्रिंकलर्स मिलता है वो भी बहुत अच्छा दिखेगा, और स्पेशली फॉर किड्स वो बहुत आई कैचिंग अपीलिंग होगा। तो रिंकू जी थैंक यू सो मच, थैंक यू माय व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग मी लाइव एंड फॉर एनकरेजिंग मी, फॉर फॉलोइंग मी। डू नॉट फॉरगेट टू चेक माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड आज का रेसिपी अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली डू ट्राई इट एट होम एंड डू लेट मी नो हाउ यू लाइक इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट। तो इसी के साथ thank you for joining, please stay safe and stay healthy, thank you Amul।